आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाते हैं और उस प्रकार उससे किस प्रकार से हम लोड प्रतिबाधा में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मेरा एग्जांपल है कि जो एक परिपथ मुझे ये दिया गया है, इस परिपथ में मुझे इसका तुल्य नॉर्टन परिपथ बनाना है और लोड में कितनी धारा बह रही है उसका मान निकालना है। तो मैंने मान लिया ये मेरा परिपथ एक है। अब नॉर्टन प्रमेय के अनुसार अगर मैं इसका तुल्य परिपथ बनाऊंगी तो इसको एक धारा स्रोत और उसके समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा से इसको प्रतिस्थापित करूंगी। तो ये मैंने इसका एक नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाया है, जहां पर अब मुझे ए और बी लोड एज इट इज़ मेरा लगा हुआ है, बाकी परिपथ को मैंने एक तुल्य धारा स्रोत और उसके पैरेलल में एक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि मैं आई इक्विवेलेंट का मान कैसे निकालूं, यानी तुल्य धारा स्रोत के लिए धारा का मान कैसे निकालूं और तुल्य प्रतिरोध का मान मैं कैसे निकालूं। अब इन दोनों को ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं आई इक्विवेलेंट का मान कैसे ज्ञात करूंगी। तो आई इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले तो देखेंगे कि इस जनित्र के द्वारा अवलोकित प्रतिबाधा का मान कितना होगा। तो अवलोकित प्रतिबाधा का मान निकालेंगे कब, जबकि इस ए बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने ए बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट किया है और यहाँ पर हम जनित्र द्वारा अवलोकित प्रतिबाधा का मान निकाल रहे हैं कि जनित्र को कितनी प्रतिबाधा देखने को मिलेगी। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो इस तरफ से चलूँगी, अब मैं शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल की तरफ से हम चल रहे हैं, तो जेड टू और जेड थ्री मैं देख रही हूँ परस्पर समांतर क्रम में है, इसलिए समांतर क्रम के रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा जेड टू जेड थ्री डिवाइडेड बाय जेड टू प्लस जेड थ्री। अब ये जो कॉम्बिनेशन आएगा ये जेड वन के श्रेणी क्रम में है, इसलिए कुल प्रतिबाधा जो जनित्र देखेगा उसका मान जेड एस सी का मान हो जाएगा जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री। अब हमने जो मान मुझे जेड वन जेड टू जेड थ्री के दिए गए हैं उसका मान मैंने यहाँ रख दिया। जेड वन 3 ओम है, जेड टू 6 ओम है, जेड थ्री 7 ओम है, ये सब मान मैंने रख दिए और इसको सॉल्व कर दिया तो मुझे मिल जाता है जेड एस सी का मान 81/13 ओम। अब हम देखते हैं कि अब इसके द्वारा इस लूप में धारा की इस मुझे चूंकि इसको धारा स्रोत में बदलना है तो मैंने इम्पीडेंस का तो मान निकाल लिया। अब मुझे ये देखना है कि इस लूप में धारा कितनी बहेगी इसके द्वारा। इस लूप में जब मैं धारा का मान निकालती हूँ तो प्रथम लूप में जो मेरे पास धारा मिलेगी वो हो जाएगा ई अपॉन जेड से, तो ई है 12, जेड मैं निकाल चुकी हूँ 81/13, तो मेरे पास आई डैश का माना जाता है 52/27 एम्पियर। अब मुझे चाहिए एक्चुअली आई इक्विवेलेंट, तो आई इक्विवेलेंट का मान निकालने के लिए क्योंकि मुझे अब जेड टू में बहने वाली धारा का मान मुझे मिल चुका है, चूँकि जेड टू में धारा बहने वाली मुझे पता है तो इस लूप में जब मैं केवीएल लगाऊंगी तो जेड टू प्लस जेड थ्री आई इक्विवेलेंट और जो आई ये जो आई डैश धारा है इसकी विपरीत दिशा में इसमें बह रही है तो माइनस आई डैश जेड टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जब मैं ये मान करती हूँ केवीएल लगाती हूँ तो इसका मतलब ये मान आई इक्विवेलेंट का मुझे मिल जाता है और जो मान मेरे पास आता है आई डैश जेड टू अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री। अब आप पुनः मैंने मान जो मेरे पास ज्ञात है वो मैंने रख दिए, आई डैश का मान रख दिया, जेड टू का मान रख दिया और ये सब मान जो मुझे ज्ञात हैं वो सब मान मैंने यहाँ रख दिए। तो ये जेड टू का मान मेरे पास था 6, तो यहाँ मैंने ये 6 भी रख दिया है। अब इसको सॉल्व जब मैं करती हूँ तो मुझे आई इक्विवेलेंट का मान मिल जाता है और आई इक्विवेलेंट का मान मेरे को मिलता है 8/9 एम्पियर। अब मुझे चाहिए परिपथ में जो कि आर इक्विवेलेंट परिपथ था, नॉर्टन तुल्य परिपथ था, उसमें मैंने आई इक्विवेलेंट का मान निकाल लिया है। अब मुझे चाहिए आर इक्विवेलेंट का मान, तो आर इक्विवेलेंट का मान निकालने के लिए मैंने इन दोनों टर्मिनल्स को ओपन सर्किट रखा है। अब मैं इस पर टर्मिनल से ही प्रतिबाधा देख रही हूँ, पहले मैं जनित्र से देख रही थी क्योंकि मुझे जनित्र को मुझे वोल्टा स्रोत को कन्वर्ट करना था धारा स्रोत में, शॉर्ट सर्किटेड धारा में निकालनी थी मुझे, इसलिए मैंने उसका पहले तुल्य परिपथ खींचा था। अब मैं आर इक्विवेलेंट निकालने जा रही हूँ तो अब मैं ए बी टर्मिनल से इसको देख रही हूँ ना कि जनित्र से, तो मेरे पास अब जनित्र को मैंने प्रतिस्थापित कर दिया है तो मेरे पास जो आर इक्विवेलेंट का मान आ जाता है वो आएगा क्योंकि ये दोनों मेरे पास समांतर क्रम में हो जाएंगे जेड वन जेड टू और इसका समांतर क्रम मुझे देगा जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन प्लस जेड टू और जेड थ्री के साथ ये श्रेणी क्रम में है इसलिए ये मान आ जाएगा जेड थ्री प्लस जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन प्लस जेड टू। अब मैंने पुनः जेड वन जेड टू जेड थ्री के मान जो मेरे क्वेश्चन में दिए हुए थे वो मैंने रख दिए हैं और इससे मुझे आर इक्विवेलेंट का मान मिल जाता है 9 ओम। अब मेरे पास जो मैंने नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाया है उस परिपथ से मैं अगर देखूं तो ये आई धारा आर इक्विवेलेंट और आर एल में बह रही है और आई इक्विवेलेंट धारा जो है इस आई के विपरीत दिशा में आर इक्विवेलेंट में जा रही है, तो इसलिए मैं इस परिपथ से अगर निकालूं तो धारा का विभाजन अगर मैं देखती हूं तो उससे मुझे मान मिल जाता है कि आई इक्विवेलेंट का मान होगा
आई एल लोड में बहने वाली धारा का मान होगा आई इक्विलेंट आर इक्विलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विलेंट प्लस आर एन। अब यहाँ पे मैं चूंकि आई इक्विलेंट भी निकाल चुकी हूँ, आर इक्विलेंट भी निकाल चुकी हूँ, ये सब मैं मान रख देती हूँ, तो मुझे मान मिल जाता है लोड में बहने वाली धारा का 0.5 एम्पियर। अब मैंने यहाँ एक बात देखी आपने कि मैंने जब आई इक्विलेंट निकाला तो उसके लिए मैंने इस परिपथ से पहले इससे द्वारा देखी अवलोकित प्रतिबाधा निकाली, फिर इस से बहने वाली प्रथम लूप में धारा निकाली, फिर दूसरे लूप को सॉल्व किए, इस धारा के आधार पर मैंने दूसरे परिपथ में आई इक्विलेंट का मान निकाला। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप केवल इसी परिपथ को लीजिए और इस परिपथ में ये चूंकि दो लूप हैं, इन दोनों लूपों में आप क्या कर दें, किरचॉफ का वोल्टा नियम लगा दें। तो पहले लूप में जब मैं किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाऊंगी तो मुझे मिलेगा आई डैश जेड टू प्लस जेड थ्री माइनस आई इक्विलेंट जेड टू, क्योंकि इसमें धारा विपरीत दिशा में है आई इक्विलेंट भी, तो माइनस आई इक्विलेंट जेड टू, यहाँ से चाहूँगी तो माइनस से प्लस, तो इक्वल टू ई। तो ये मान मैंने यहाँ रख दिया प्रथम लूप के लिए। और जब मैं दूसरे लूप के लिए काम करती हूँ तो दूसरे लूप में मुझे मिलेगा आई इक्विलेंट जेड टू प्लस जेड थ्री माइनस का जेड टू आई डैश, क्योंकि आई डैश भी यहाँ पे कॉमन टर्मिनल है जेड टू में, तो दोनों धाराएँ बह रही हैं, मध्य में लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास ये मान मुझे मिल जाता है और इसमें कोई भी स्रोत नहीं है, इसलिए इक्वल टू जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू माइनस आई डैश जेड टू प्लस आई इक्विलेंट जेड टू जेड थ्री। तो ये दो इक्वेशंस मुझे फिर चौफ का वोल्टा नियम लगाने पर मिल जाती हैं। अब इनको मैं सॉल्व करती हूँ मेरे मैट्रिक्स मेथड से, तो मैट्रिक्स मुझे मिलती है ई जीरो जेड वन प्लस जेड टू माइनस जेड टू माइनस जेड टू जेड टू प्लस जेड थ्री, और यहाँ पर मुझे मान मिल जाता है आई डैश और आई इक्विलेंट। तो ये मान मुझे, ये मैट्रिक्स इस तरह से मुझे मिल जाती है। और जब ये मैट्रिक्स मुझे मालूम है तो इस मैट्रिक्स के आधार पर अब मैं, मुझे मालूम है मैं आई इक्विलेंट का मान निकालूंगी तो वो हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल जेड, आई डैश का मान निकालूंगी तो डेल वन डेल जेड, ये मान मैंने यहाँ रख दिया। तो आई इक्विलेंट का मान एक्चुअली निकालना मेरा एम है, बेसिक एम है, मैं चाहूँ तो इस आई डैश को यहाँ पे छोड़ सकती हूँ। तो आई इक्विलेंट का मान मैं निकालती हूँ तो मुझे मिल जाएगा जेड वन प्लस जेड टू अपॉन माइनस जेड टू, अपॉन नहीं है सॉरी, मैट्रिक्स है ये जेड वन प्लस जेड टू माइनस जेड टू, और यहाँ मैट्रिक्स में आ जाएगा दूसरी कॉलम में आ जाएगा ई जीरो, क्योंकि सेकंड मान हम निकाल रहे हैं तो सेकंड कॉलम को मैंने ई जीरो से रिप्लेस कर दिया है, डिवाइड बाय ये जेड मैट्रिक्स है पूरी मेरी। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये तो मान मेरे पास जीरो आ जाएगा, ये ई जेड टू आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो जेड वन जेड टू प्लस जेड टू स्क्वायर जेड वन जेड थ्री प्लस जेड टू जेड थ्री, अब माइनस का जेड टू स्क्वायर कट जाएगा तो ये मान मुझे मिल जाता है ई जेड टू अपॉन जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड वन जेड थ्री। अब मान मेरे पास ई जेड टू जेड वन सबके हैं, ये मान मैंने रख दिया, सॉल्व कर दिया तो ये वही मान मुझे मिलता है जो कि मैंने पहले निकाला था कि ई आई इक्विलेंट का मान मुझे मिलता है 8/9 एम्पियर। आप चाहें तो ये सिंपल प्रोसेस जो कि हम पहले सीख चुके हैं इससे भी आप मान निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि किस तरह से हम नॉर्टन परिपथ बनाते हैं और आई इक्विलेंट निकालते हैं और आर इक्विलेंट निकालते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल आपको और करते हैं, दो तीन एग्जांपल हम कर लेते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये दूसरा एग्जांपल है, ये एक परिपथ दे रखा है, अब वहाँ पर मेरे पास पहले वाले एग्जांपल में आंतरिक प्रतिरोध नहीं था। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा सोर्स लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, जिसका आंतरिक उसका प्रतिरोध भी है, वो है 0.1 ओम। बस बाकी सारा परिपथ वही टी नेटवर्क है। तो जैसे हमने पहले किया है वैसे ही अगर मैं देखूं तो नॉर्टन प्रमेसिस का तुल्य परिपथ, एक धारा स्रोत उसके समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा। अब मुझे निकालना है आई इक्विलेंट का मान, तो आई इक्विलेंट का मान निकालने के लिए चूंकि मुझे अब चाहिए इस वोल्टा स्रोत को धारा में स्रोत में बदलना है मुझे, इसलिए अब सबसे पहले मैं ए बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करती हूँ, यहाँ से अवलोकित जनित्र द्वारा प्रतिबाधा का मान निकालती हूँ। तो ये मान अब यहाँ पर पहले मैंने ये दोनों समांतर क्रम में जेड टू जेड थ्री प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, इसके श्रेणी क्रम में हो जाएगा ये जेड वन, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है जिसे मैं जनरेटर का रेजिस्टेंस कह रही हूँ 0.1 ओम। तो यहाँ पर जेड वन की बजाय जेड जी प्लस जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री, ये मान मैंने यहाँ सारे रख दिए। और रखने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाता है 6.4 डिवाइडेड बाई 11 ओम। अब दूसरे लूप में प्रवाह इसी लूप में इसके कारण बहने वाली धारा निकालती हूँ तो ई अपॉन आई ई अपॉन जेड, ई मुझे मालूम है, जेड मैंने निकाल लिया है, ये मैंने रख दिया, सॉल्व किया तो आ गया 66/3.2 एम्पियर। अब मुझे चाहिए आई इक्विलेंट का मान, और आई इक्विलेंट का मान जब मैं निकालती हूँ तो आई इक्विलेंट का मान हो जाएगा आई डैश धारा के विभाजन नियम से जेड टू अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री, और ये सब मान मैं रख देती हूँ। जो मुझे मैंने आई डैश का मान निकाल लिया है, जेड टू का मान मेरे को पता है, जेड टू प्लस जेड थ्री पता है, तो मुझे आई इक्विलेंट का मान मिल जाता है 18.75 एम्पियर। ये काम आप पुनः वैसे भी निकाल सकते हैं कि आप इस में केवीएल लगाइए इस लूप में,
और इस लूप में KVL लगाइए, तो इससे आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। उस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करके सीधे ही आई इक्विवेलेंट का मान निकाल सकते हैं, जो यही मिलेगा जो कि मैंने यहाँ निकाला है। अब मुझे चाहिए आर इक्विवेलेंट का मान, तो आर इक्विवेलेंट का मान निकालने के लिए अब मैंने जनित्र को प्रतिस्थापित कर दिया है उनसे उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से, जो कि 0.1 ओम है। और अब इस ओपन सर्किटेड में टर्मिनल्स पर मैं आर इक्विवेलेंट निकालती हूँ, तो ये मान मुझे मिल जाएगा, ये दोनों परस्पर श्रेणी क्रम में है 0.1 और 0.3, और इन दोनों का जो संयोजन है इसके साथ समांतर क्रम में है, इसलिए 0.1 प्लस 0.3 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 0.3 प्लस 2। तो ये पूरे सॉल्व इस वाले परिपथ को मैंने सॉल्व करके रेजिस्टेंस निकाल लिया है। अब जो इसका नेट रेजिस्टेंस आया वो इसके साथ 0.2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में है, इसलिए आर इक्विवेलेंट का मान हो जाता है 0.2 प्लस जो ये समांतर इन दोनों का श्रेणी और इसके साथ समांतर संयोजन का जो मान मैं निकाल चुकी हूँ, मैंने यहाँ रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे मान मिल जाता है 8/15 ओम। अब लोड में प्रवाहित धारा का मान मुझे निकालना है, और लोड में प्रवाहित धारा हम पहले जैसे देख चुके हैं कि इस परिपथ से जो कि नॉर्टन तुल्य परिपथ था, अब चूँकि मुझे आई इक्विवेलेंट पता है, आर इक्विवेलेंट पता है, तो धारा के विभाजन नियम से आई का मान मुझे मिल जाएगा, आई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल। आई इक्विवेलेंट मैं ज्ञात कर चुकी हूँ, आर इक्विवेलेंट ज्ञात कर चुकी हूँ, आर एल मुझे पता है, ये सब मैं यहाँ रख देती हूँ। तो लोड में बहने वाली धारा का मान मुझे मिल जाता है, और लोड में बहने वाली धारा का मान मुझे अब मिलता है क्योंकि आर इक्विवेलेंट मैंने रख दिया, आर इक्विवेलेंट रख दिया, आई इक्विवेलेंट रख दिया है, आर इक्विवेलेंट और आई इक्विवेलेंट आर एल का मान मैंने रख दिया, सॉल्व किया तो मुझे मान मिल जाता है लोड में बहने वाली धारा का 4.6875 एम्पीयर। अब ये कि तीसरा परिपथ हम एक और कंसीडर कर रहे हैं एग्जांपल के रूप में, कि इस एग्जांपल में मान लिया यहाँ पर बाकी परिपथ सेम है, यहाँ पर पुनः आंतरिक प्रतिबाधा मैंने शून्य मान ली है इसकी, लेकिन यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस था उसकी जगह हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाया है दो का। तो मैं इसको सिंपल पहले टी नेटवर्क में कन्वर्ट करती हूँ कि इन दोनों का जब मैं समांतर क्रम से एक रिजल्टेंट मान निकालती हूँ प्रतिरोध का, तो मुझे मिल जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से 100 × 200 डिवाइडेड बाय 100 + 200 यानी 200/3। तो अब मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ, तो ये सिंपल टी नेटवर्क जिसके लिए हम पहले नॉर्टन थ्योरम लगा चुके हैं, ये मुझे पुनः वही परिपथ मिल गया है। तो यहाँ पर मुझे अब वापस से नॉर्टन थ्योरम के अनुसार इसका परिपथ क्या होगा कि एक तो धारा स्रोत और उसके समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा लगी होगी और साथ में लोड जिस पर मुझे मान निकालना है, तो यहाँ पर ये परिपथ मुझे मिल जाता है। अब यहाँ पर वापस पुनः वही काम मुझे करना है, आई इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अब मैं आर इक्विवेलेंट का मान निकालती हूँ, जबकि आपके पास आंतरिक प्रतिबाधा से मैंने इसको प्रतिस्थापित कर दिया जो कि है नहीं यहाँ पे, तो हटा दिया मैंने जनित्र को, और हटाकर मैं इस टर्मिनल AB से जहाँ लोड लगा हुआ था उसको खुले में रख के मैं इसकी प्रतिबाधा का मापन करती हूँ, प्रतिरोध का मापन करती हूँ, तो मुझे मिल जाता है कि ये दोनों का समांतर क्रम संयोजन है, और इन दोनों समांतर क्रम का संयोजन का जो परिणामी है इसके साथ श्रेणी क्रम में आएगा, इसलिए AB टर्मिनल से जो अवलोकित प्रतिबाधा आएगी, अवलोकित जो प्रतिरोध आएगा उसका मान हो जाएगा R2 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3। R2 R1 R3 इन सबके मान मुझे ज्ञात हैं, मैंने रख दिए, इनको सॉल्व कर लिया तो मुझे मिल जाता है 108.823 ओम। अब आई इक्विवेलेंट के लिए मुझे क्या करना है, वही पुनः कि इसको मैंने AB टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट किया, इसके द्वारा अवलोकित प्रतिबाधा निकालूंगी, उस प्रतिबाधा के आधार पर इस R3 में बहने वाली धारा निकालूंगी। अब R3 में बहने वाली धारा मुझे पता है, तो उसके आधार पर सेकेंड लूप में धारा का विभाजन कर मैं आई इक्विवेलेंट का मान निकाल सकती हूँ, या फिर दूसरा तरीका मैं ये भी कर सकती हूँ कि ये फर्स्ट लूप ये सेकेंड लूप, फर्स्ट लूप में आप लगाइए किरचॉफ का नियम वोल्टा नियम, दूसरे लूप में लगाइए किरचॉफ का वोल्टा नियम, दोनों से मैट्रिक्स प्राप्त कीजिए, उस मैट्रिक्स को सॉल्व करके आप आई डैश और आई इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। और आई इक्विवेलेंट का मान ज्ञात है, आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात है, इसलिए आपको लोड में बहने वाली धारा का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं कि इनको शॉर्ट टर्मिनल AB को शॉर्ट सर्किट करने पर हम निकाल रहे हैं कि अवलोकित प्रतिबाधा जनित्र द्वारा कितनी होगी। तो ये दोनों R2 R3 समांतर क्रम में इसके साथ श्रेणी क्रम में, तो ये संयोजन हमने निकाल के RSC का मान निकाल लिया जो कि 112.12 ओम आता है। अब V अपॉन Z करके V अपॉन R करके हम इस लूप में बहने वाली धारा निकाल लेते हैं, तो V 10 है, R इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया है 112.12 है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो 33/370 एम्पीयर धारा आ जाती है I-। अब I- चूँकि पता है मुझे, तो अब इस लूप में धारा का विभाजन नियम लगाकर मैं I इक्विवेलेंट का मान निकालती हूँ, और I इक्विवेलेंट का मान मुझे मिल जाता है कि I-R3 अपॉन R2 प्लस R3, या फिर आप
लूप टू में केवीएल लगाएं तो भी आपको यही मान मिलेगा। तो आई इक्विवेलेंट का मान, अब मैंने आई डैश का मान रख दिया 33/370, आर 3500 है, आर 2500 है, आर 3500 है, इसको सॉल्व कर लिया मैंने। सॉल्व करके मुझे मिल जाता है आई इक्विवेलेंट का मान 0.081 एम्पियर। अब नॉर्टन परिपथ जो तुल्य परिपथ मैंने बनाया था, इस परिपथ से मैं वापस धारा का विभाजन नियम लगाती हूँ, या फिर चौका वोल्टा नियम भी आप लगा सकते हैं कि IL जो बह रही है आर का सारी कुलम में बह रही है और ये जो आई इक्विवेलेंट है इसकी विपरीत दिशा में आ रही है, इसलिए आपको मान मिल जाएगा IL का आई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस RL। ये मान चूँकि मैं सारे निकाल चुकी हूँ, इसको मैं रख देती हूँ, तो मुझे धारा का मान मिल जाता है 0.022425 एम्पीयर। अब पुनः मैंने आपको जैसा कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले अवलोकित प्रतिबाधा निकालूं, फिर इस लूप में धारा निकालूं, उसके आधार पर धारा का विभाजन से आई इक्विवेलेंट निकालूं। मैं सीधा ही इन दोनों लूपों में केवीएल लगाती हूं, तो चौक का वोल्टेज नियम लगाती हूं, तो मुझे क्या मिल जाता है। पहले लूप में लगाई तो आई डैश धारा 200/3 में भी बह रही है, 500 में बह रही है, तो ये दोनों को प्लस कर दिया आई डैश, और ये आई इक्विवेलेंट धारा विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस का आई इक्विवेलेंट 500 = 10, क्योंकि ये माइनस से प्लस की दिशा में जाऊंगी तो इक्वल टू प्लस का आएगा। अब दूसरे लूप में मैंने लगाई तो आई इक्विवेलेंट धारा R2 और R3 में बह रही है, तो ये दोनों को मैं प्लस कर दूंगी, 500 + 50 × आई इक्विवेलेंट और माइनस आई डैश इंटू 500, तो ये दूसरी समीकरण मुझे ये मिल जाती है। इन दोनों से मैंने ये मैट्रिक्स बना ली, तो मैट्रिक्स बनी तो 10-0 और ये जेड मैट्रिक्स आ गई आई डैश और आई इक्विवेलेंट। अब इससे मुझे मालूम है कि आई डैश का मान मुझे चाहिए तो del1 del z होगा, आई इक्विवेलेंट का मान चाहिए तो del2 del z होगा, तो मुझे बेसिकली आई इक्विवेलेंट चाहिए, तो केवल मैं उसी के लिए सॉल्व कर लेती हूँ। तो आई इक्विवेलेंट का मान हो गया, ये आपके पास सेकंड वाली है चुकी है, इसलिए सेकंड वाले को मैं इधर से रिप्लेस कर दूंगी, तो 1700/3 माइनस 500 और 10-0 हो जाएगा डिवाइड बाय del z को मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया है, मैं रख देती हूँ, माना जाता है 3/37 एम्पियर, और यही मान मुझे 3/37 एम्पियर ही मुझे पहले भी मिला था। तो सेम ही आप चाहे एक मेथड से करें चाहे दूसरे मेथड से करें तो आपको एक ही मान मिलता है। तो इस तरह से हम नॉर्टन परिपथ के लिए नॉर्टन थ्योरम को यूज़ करते हुए किसी भी परिपथ का तुल्य परिपथ बना सकते हैं, जिसमें एक ही तो धारा स्रोत लगा होगा और उसके समांतर क्रम में एक ही प्रतिबाधा लगी हुई होगी, तो इसको सॉल्व करके मैं लोड में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकती हूँ। धन्यवाद।